अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। और जी मैं बना रही हूँ चाय, और बाकी जो है वो आज मेरा प्रोग्राम है कढ़ी पकौड़ा बनाने का, तो वो बनाएंगी। बाकी में ये जो पत्ती होती है ना, कड़क होती है, बाकी में मैं ये वाली इस्तेमाल करती हूँ। ये वेटल कड़क चाय बन गई है जी। कढ़ी पकौड़ा बना रही हूँ तो स्टार्ट काट दिया मैंने, तो इसमें मैंने डाला है गरम मसाला साबित, और साथ में जो है अदरक लहसुन और इसका प्याज, ये मैंने डाला। ये है बेसन, ये जो गरम मसाला मैंने वो भून लिया था ना, उसमें मैंने आप ऐड किया है इसको, बेसन को। तो बेसन का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, तो अब मैं इसमें लस्सी डालूँगी। लस्सी जो है वो मैंने ऐड कर दी है इसमें, तो अब थोड़ा सा इसमें बॉयल आएगा, तो फिर मैं इसका ढक्कन जो है वो मैं बंद कर दूँगी। पकौड़ों का जो है वो ये धनिया मैंने डाला है इसमें, और साथ में जो है वो मैं डालूंगी इसमें क्या भला, मिर्ची टिका की जबर, और नमक, साथ में गरम मसाला और डालूंगी। हाँ जी, अच्छा ये बघार जो है वो मैंने तैयार कर लिया है। इसमें मैंने खुश्क धनिया डाला है और साथ में जीरा डाला है। कढ़ी पकौड़ा तैयार हो गया है जी। मैं अब डालने लगी हूँ प्लेट में, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। आप भी ट्राई करें, देखें कि ये कितना अच्छा बनता है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेस्ट होता है। इसके साथ जी मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, अल्लाह को सलामत रखें, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। बहन को दुआओं में याद रखिएगा, इल्तमास से दुआ। अल्लाह हाफिज़।